बेटा आज आप करेंगे चैप्टर बोली, लेखक है गुरबख्श सिंह। ठीक है, आज सिर्फ असं लेखक बारे करेंगे। कल इहदा सार होएगा, क्वेश्चन आंसर्स एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, दो दिन लिटरेचर करवाई जाएगी, दो दिन ग्रामर करवाई जाएगी। ओके, सो लेखक बारे ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, गुरबख्श सिंह या लेखक दा जन्म कदों होया। पहला लिखना है तुसी जन्म कदों होया, फर्स्ट ऑप्शंस लिख सकते हो, ऑप्शंस नहीं बनानी है तो तुसी सिर्फ कल्ला आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, बट ऑप्शंस मैं थानू दसांगी क्योंकि थोड़ी उस अकॉर्डिंगली ही तैयारी होगी जिदी जिदी बनती जा रही है। ठीक है, सो ऑप्शंस लिख लो, 24 अप्रैल आप इतना लिखते हैं। ठीक है, रो विच नहीं आता, हूँ पैर के थले नहीं आता, 1895। सेकेंड, हाँ जी ताई बच्चे मैं थानू करवा रही हूँ, एक दिन आप कर चुके हुए हैं प्रिंसिपल तेजा सिंह ने, उन्होंने तो आई थिंक आप 15 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 15 ही किए हैं लेखक दे बारे, 15 किए ने। ठीक है, उस तो बाद 30 अप्रैल, ओके, हाँ जी मेहुल मैम आपका कनेक्शन लो है, मेरी आवाज आ रही है, वो बेटा कई बारी हो जाती है, बट मेरी आवाज आ रही है थानू क्लियरली? मैम आवाज भी बीच में फ्रीज कर रही है। ओके, सो बेटा लिसन, फर्स्ट क्वेश्चन है लेखक दा जन्म कदों होया, सो आंसर इज 26 अप्रैल 1895। 26 अप्रैल 1895 नूं लेखक दा जन्म होया। ठीक है, अगर बोर्ड इन्ना ज्यादा विजिबल नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ते तुसी सुन सकते हो, सुन के लिख लो, कोई गल नहीं, मैं थोड़ा स्लो स्लो बोल देवांगी। ठीक है, फास्ट नहीं बोलूंगी। सेकंड क्वेश्चन लिखो, लेखक दा जन्म किथे होया। ठीक है, पहला सी कदों, हुण है किथे, राइट। ऑप्शंस आर रावलपिंडी, ऑप्शंस रावलपिंडी, सियालकोट, हां जी लाहौर, अमृतसर। ठीक है, तो होया किथे, सियालकोट। जिला केड़ा है, पाकिस्तान। मतलब हुण जिहड़ा सियालकोट है ना, पहला जदों सी उदों पाकिस्तान नहीं सी, बाद विच होया ना, मतलब तां आपां कहिंदे आ कि हुण जिहड़ा सियालकोट है ओ पाकिस्तान विच है, इत्थे नहीं हैगा। ठीक है, थर्ड लिखो, लेखक दी पत्रिका दा की नां सी। पत्रिका, पत्रिका किहनू कहिंदे आ, मैगजीन नूं, मैगजीन। ठीक है, जिहड़े तुसी मैगजीन्स वगैरह पढ़दे इहनूं आपां कहिंदे आ पत्रिका। लेखक दी पत्रिका दा की नां सी। तो इन्हां दी पत्रिका दा नाम सी, इहनूं ऑप्शंस ना लिखो, इहनूं जस्ट वन वर्ड च लिख लो, प्रीत लड़ी। ठीक है, प्रीत लड़ी नाम किदा पिया, इन्हां दा ना सरनेम सी गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी, ओ भी सरनेम भी किदा पिया क्योंकि अगो इन्हां ने एक शहर बसाया सी। ठीक है ना, सो पत्रिका मैगजीन ए मंथली चलदी सी। ठीक है, मंथ वाइज हुंदी सी, कई हुंदा ना हफ्ते बाद छपदियां ने, ए मंथ वाइज छपदी सी। प्रीत लड़ी इन्हां दी पत्रिका दा नाम है, ए उसदे संपादक सन। संपादक इहनूं कहिंदे आ, एडिटर नूं। ठीक है, संपादक मतलब एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लेखक ने उच्च विद्या
लेखक ने उच्च विद्या प्राप्त कित्थों हासिल कीती? नहीं, आप लेखक ने उच्च विद्या कित्थों प्राप्त कीती? ठीक है, आंसर इज रुड़की। एक हाँ, उच्च विद्या, इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिख लो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई। ठीक है, ओनो भी तो उच्च विद्या कह रहे हैं, हायर एजुकेशन। बोलते रुड़की तो, इन्होंने इंजीनियरिंग पास की थी। आ देखो लिखा हुआ है इसे। हाँ ठीक है, रुड़की तो इन्होंने इंजीनियरिंग पास की थी। ते मुढ़ली विद्या इन्होंने अपने पिंड तो ही प्राप्त की थी। ठीक है, डन। अगे इन्हें किते पूछे जा सकते हैं, इन्होंने केड़े केड़े किते 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 किनू कहते हैं? काम बनू, राइट। इनू क्वेश्चन बना के नेक्स्ट लिख लो, इन्हें किते या काम केड़े केड़े सी। पहला उन्होंने फौज विच भर्ती हुए हो, फिर कुछ टाइम हो, ठीक है, उस तो बाद विच वो अमेरिका चल गए, फिर वो रेलवे विच आए, फिर उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। सो कितने लिख लो नेक्स्ट, क्लर्क दी भी कितनी है? ओके, फौज पहले क्लर्क दी है। ओके, पहला क्लर्क, देन फौज, रेलवे, फिर इन्होंने खेती की। ठीक है, मतलब इन्होंने ये वाले काम करने शुरू किए थे, पहला क्लर्क, फिर फौज, रेलवे, देन खेती। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक पत्र प्रीत लड़ी कदों शुरू होया? मासिक पत्र प्रीत लड़ी ऑप्शंस लिख सकते हो तुसी, 1937, 1933, 1934 और 1938। ठीक है, होया कदों सी? 1933, 1933, राइट। इन्होंने शुरू किया सी 1933 दे विच प्रीत लड़ी। हाँ जी मेहुल, मैम रुड़की के नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था? रुड़की तो बाद विच इना दे काम या किते, ए वाला मेहुल, इना ने केड़े केड़े किते या काम किते? डन। नेक्स्ट, इना ने केड़ा नगर बसाया? इना ने केड़ा नगर बसाया? इन्हां ने 1933, 1933, हाँ, इन्हां ने केहड़ा नगर बसाया? ऑप्शंस पूछिया जा सकदियां ने, जे तुहानू सही पता है तां तुसी लिख सकदे हो। केहड़ा नगर बसाया सी? प्रीत नगर। ठीक है, ताही इन्हां ने अपने नाम दे पिछे प्रीत नगर तो, ते लड़ी मतलब जिहड़ी हफ्ता बाद चलदी है, फिर इन्हां ने अपने पिछे लगा लिया प्रीत लड़ी। ठीक है, नगर बसाया प्रीत, एन लिखा है ऑब्वियसली पंजाब जी होगा। कितना होया है? ओके, अगे लिखो बेटा क्वेश्चन, लेखक दे पिताजी दा की नासी?
लेखक दे पिता जी दा की ना सी, पिता दा नाम सरदार पिछौरा सिंह, ठीक है सरदार पिछौरा सिंह। यस रशिद, जो आपने अभी क्वेश्चन बोला था लेखक ने उच्च विद्या कितों प्राप्त की थी, उसका आंसर क्या है? उच्च विद्या बेटा उन्होंने अग्गो जाके जड़ी इंजीनियरिंग दी है वो थोड़ी बुक पे लिखा अमेरिका तो प्राप्त की थी, ठीक है, पर उन्होंने इंजीनियरिंग जड़ी है वो रुड़की तो की थी। ओके मैम, और मुडली विद्या तो नहीं है ना कोई क्वेश्चन? उचेरी विद्या अमेरिका तो की है, इंजीनियरिंग की है रुड़की तो उठे बच्चे थोड़े। हाँ इंजीनियरिंग आप उचेरी उचेरी कहनों कहते हायर एजुकेशन पहला केड़ी होंगी है प्राइमरी, फिर केड़ी होंगी है सेकेंडरी, हायर एजुकेशन जी कॉलेज तो प्राप्त कर दे सो उचेरी विद्या, उस तो बाद अमेरिका गए थे, ठीक है ना। इंजीनियरिंग उन्होंने की है रुड़की तो, मुढ़ली विद्या उन्होंने अपने पिंड तो ही प्राप्त की, ठीक है सियालकोट जिहड़ा उन्होंने पिंड सी, उस तो बाद विच ओह ओके अगर बेटा उचेरी विद्या आ जाए तो फिर तुसी अगर ऑप्शन विच अमरीका आ रहा फिर तुसी अमरीका नू ही टिक कर दियो, ठीक है अगर ऑप्शन विच अमरीका नहीं आया रुड़की आया फिर तुसी रुड़की नू टिक करियो, ठीक है नहीं ऐदा नहीं होएगा कदी दोनों नहीं आंदे, मतलब जे मतलब मिलदे जुलदे होन वो कदी नहीं आंदे, ठीक है क्लियर है जी। नेक्स्ट लिखो लेखक दी पछाण किस करके हुई, लेखक दी पछाण किस करके हुई, जिस तरह आपा कीता सी घर दा प्यार प्रिंसिपल तेजा सिंह दी पछाण किदा हुई सी, की लिखते सी केड़ी फील्ड विच ज्यादा लिखते सी, वो लिखते सी वार्तक ते जीवनी विच, ठीक है ए लिखते सी कल्ले वार्तक विच, इना दी पछाण जेड़ी है वो मेनली वार्तक वार्तककार सन, ये वार्तक लिखण वाले सन, ठीक है वार्तक दे खेत्र विच इन्होंने काफी रचनावां लिखियां। वार्तक किहनू कहिंदे आ जया समझाया सी वार्तक का मतलब की हुंदा आ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वार्तक दा मतलब किसे नु पता होए, ठीक है थोड़ा बता ओके यस निष्ठा मैम, वार्तक दा मतलब हुंदा है अपने विचारां नु एक लेख दे रूप विच पेश करना, गुड वेरी गुड, वार्तक इनु कहंदे हन अपने जिन्ने भी विचार हुंदे ने साडे जो भी आपां सोचदे हां उहनां नु एक एसे दे रूप विच हुण आपां घर दा प्यार पढ़िया उहदे विच इक उह इक तरह नाल एसे ही तां है, अगर तुसीं उहनूं सार ना समझ के इक एसे दी तरह समझो लर्न करन लई थोड़ी तुहानूं कोई कहिंदा, बस तुहाडे माइंड च होणा चाहीदा कि इह वाले पैरे विच इह वाली गल कीती गई, इह वाले पैरे च इह वाली गल कीती गई है, तुसीं जदों तों पढ़ना शुरू कर देना तुहाडे माइंड दे विच तां पूरा पेज ही आ जांदा है, ठीक है ना, उहनूं आपां कहिंदे उहदे विच उहदे विचार सीगे लेखक दे, सो इहनां नूं वार्तककार दे तौर ते पछाण मिली सीगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक दिया लिखता उपर किस दा प्रभाव सी, लेखक दिया लिखता लिखता के नू कहंदे रचनावां, लिखता किस दा प्रभाव सी, हाँ जी पछमी देशां दा खुले डुले जीवन दा, ठीक है ना
इना दे लिखता उपर पच्छमी जीवन जांच दा या खुले डुले सुभा दा असर पिया। ठीक है, मतलब जेडे पहला ए बहुत पहला दे लेखक ने उदो की सीगा कि कईयां दे थिंकिंग इन्नी ज्यादा वास्ट नहीं सी, पर इना ने फिर पछमी जेडे उन्हां दीआं मे बी रचनावां पढ़निया शुरू कीतियां, इना दे लिखतां उपर भी उदा ही असर आंदा गया। तो जो भी विचार लिखते सन ना वो ओपन माइंडेड लिखते सीगे। ठीक है, ये नहीं कि इको ही कल्चर दे नाल इफेक्ट होके लिखते सी, इस हर एक पछमी जड़ा सी देश उहदे जीवन च आंदा दा इना दे बहुत असर पिया सीगा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक ने पंजाबी साहित्य दे किहड़े किहड़े खेत्र विच रचना कीती। लेखक ने पंजाबी साहित्य दे खेत्र फील्ड किहड़ा किहड़ा सी, लेखक ने पंजाबी साहित्य दे केड़े केड़े खेत्र विच रचना कीती। ठीक है, खेत्र फील्ड, फील्ड किनू कहंदे हन, कहानी नॉवल नाटक उन्हां नू। ठीक है, सो इन्होंने केड़े केड़े खेत्र चुने, मतलब कि किस किस फील्ड विच रचना कीती, कहानी विच कीती इन्होंने, नावल विच कीती, निबंध विच कीती, इसको इलावा इन्होंने नाटक, बाल साहित्य किन कहते हैं, ठीक है जी, आत्म कथा किन कहते हैं, ठीक है, अनुवाद किन कहते हैं, ए वाले खेत्र विच रचना कीती। डायलॉग्स भी बोल देंदे, पर आपां इत्थे अनुवाद की है, ट्रांसलेट करना। इन्हां ने जिस तरह कई करदे ने ना कि इंग्लिश दीआं कोई रचनावां ने उन्हां नूं इन्हां ने पंजाबी विच अनुवाद कर दिता, अनुवादित ट्रांसलेट कर दिता। ठीक है, कहानी, नावल, निबंध, नाटक, बाल साहित्य, आत्मकथा, ठीक है जी, इन्हां विच इन्हां ने रचना कीती। ओके, सो ए तां तुहानूं पता लग गया। हुण पंजाबी साहित्य दा मतलब की है, साहित्य पता किसे नूं, जसमीन, साहित्य लिटरेचर नूं कहिंदे इंग्लिश विच, मतलब की है, तुसी देखो जो भी तुसी पढ़ रहे हो साहित्य ही पढ़ रहे हो, इंग्लिश विच पढ़ते हो साहित्य ही पढ़ते हो, हिंदी अगर किसी को है तो साहित्य पढ़ते हो, साहित्य हुंदा की है, पढ़ते आ रहे आपां चौथी पंचवीं तो, हुंदा की है लैंग्वेज ता साहित्य। हां जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन, साहित्य नो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स साहित्य, देखो जरूरी नहीं कि तुसी सिर्फ जो थोड़ा सिलेबस है, नो डाउट आप सिलेबस से कंसंट्रेट करना, ये भी एक सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, अगर बाय चांस थानू पूछा जावे साहित्य किनू कहंदे, तुसी पढ़ते आ रहे हो, राइट, तो साहित्य का मतलब की है लिखियो ना, समझ लो, अगर किसी ने नॉलेज लैनी है तो वो लिख भी सकता है। पंजाबी साहित्य विच इन्होंने रचना की, साहित्य किनू कहंदे, ये ना दो शब्दों तो बनिया, एक सा हित, ठीक है, सा मतलब सारे, हित मतलब भला, ओहो वाला साहित्य, ओहो वाला लिटरेचर जो सब दे भले लई होवे। ठीक है, हुण साहित्य जिहड़ा है ये दो अगों दी वंडिया जांदा है, कविता विच ते वार्तक विच। हुण जिहड़ी तुहाडी साहित्य माला बुक है ओहदे विच कविता भी आंदी है, तो ओहदे विच वार्तक भी तां आंदी है ना, तो कविता जिहदे विच ख्याल आंदे ने, तुहानूं थॉट्स आंदे ने, ठीक है ना, हुण आपां कदी कोई कविता रचदे हां आपां पूरे तरीके नाल थोड़ी सोचण बैठदे हां, ओह तां इक
विचार ने फटाफट थोड़े माइंड में आते हैं, थोड़े ख्याल होंगे ने ना, इमेजिनेशन है। वार्तक विच असी जो लिखते हाँ वह थोड़ा सोच समझ के लिखते हाँ। पोएट्री विच कई बार आप सोच समझ के नहीं लिखते, कई बार तुकांत जड़ा है वह मिल जाता है, मतलब अजकल खुली पोएट्री भी होंगी है वैसे भी होंगी है, ठीक है, जिदी राइम बनती है। वार्तक विच हुण देखो आप घर का प्यार किया, बोली कर रहे हाँ, ठीक है, प्रार्थना किया, चैप्टर ये सारे के सारे वार्तक के अंदर ही आते हैं, मतलब जिद विचार पेशकारी की जाती है, ठीक है। सो वार्तक विच की आता है, कहानी, नावल, निबंध, नाटक, यह सब कुछ वार्तक विच ही आता। कविता विच सिर्फ कविता जिमें कि गजल हो गया, नजम हो गया, ठीक है, यह सारिया कवितावान, क्लियर है। साहित्य का मतलब हूं ना भूलो, ठीक। है बच्चे इतने एक्स्ट्रा है, ता ही मैं थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, ठीक है, ता ही मैं थोड़ा कह रही हूँ कि क्वेश्चन लिख लो जड़े जड़े मैं करवा रही हूँ। हाँ जी, बार तो नहीं, मतलब देखो राइटर दे बारे जिन्ना तुसी, मैं हर एक देखो कर रही हूँ, राइटर दे बारे हर एक चीज लिखवा रही हूँ, खेतर इन्हों कितों कितों सम्मान मिलिया, ठीक है ना, इन्हों लिखो लो, कुछ नहीं पता होंगे, एक्स्ट्रा कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और अच्छा एक सीगा वो टेंथ ए ने मैंने पूछा सी मीनिंग ओदा, कि जिस तरह उनका स्वै जीवनी आप की सी, प्रिंसिपल तेजा सिंह की जीवनी का की नाम से जी उन्होंने लिखी थी, स्वै जीवनी आरसी थी ना, तो उन्होंने मैंने पूछा सी आरसी का मतलब की होंगे, आरसी का मतलब उन्होंने लिखी थी ना, आरसी मतलब शीशा, मिरर, मे भी उन्होंने जो भी रचनावां लिखते सन सच स्वै जीवनी की होंगे, अपना सच ही दसना जीवन का, ठीक है, वो मे भी उन्होंने कोई जीवन दच्चाइया दसिया हो अपनी स्वै जीवनी में, तो मतलब वो है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन लिखो जी, लेखक ने वार्तक विच किन्निया पुस्तकां रचियां, रचियां किनू कहंदे आ, लिखण नू, लेखक ने वार्तक विच किन्निया पुस्तकां रचियां, ब्रैकेट विच लिख सकदे हो या तुसी ऑप्शन लिख सकदे हो, एक दर्जन, दो दर्जन, दस या पांच, ठीक है। सो इन्होंने किन्निया रचना सीगिया रचिया, दो दर्जन मतलब 24 बुक्स सिर्फ वार्तक विच, ठीक है, दो दर्जन तो वध भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली है, मतलब गिनतियां का कोई अंदाजा नहीं है कि इन्हें कर सकते हो तुसी, ठीक है, दो दर्जन तो वध पुस्तकां इन्हां लिखियां सीगियां। अगे इन्हां जिहड़ियां इन्हां ने वार्तक रचनावां लिखियां इन्हां दे विषय लिख लो, किहड़े किहड़े इन्हां ने मतलब कि लए सीगे विषय, वार्तक रचनावां दे विषय, ठीक है, वार्तक रचनावां दे विषय आंसर लिख सकते हो तुसी, जिंदगी दी कविता, विषय वार्तक रचनावां जिहड़ियां इन्हां लिखियां ओदे कंसेप्ट केड़े केड़े सन, जिंदगी दी कविता, चंगेरी दुनिया, इन्हां दी फिर रचनावां होणगियां। ओके बेटा लिसन, ए इन्हां दी रचनावां ने, ठीक है, विषय नहीं है, विषय होर है, ठीक है, वो तुहाडी बुक ते लिखे हुए ने, इन्हां दी रचनावां ने, विषय कट दो, जिंदगी दी कविता, चंगेरी दुनिया, मेरी मेरियां अभुल यादां, अभुल मतलब जो कदी नहीं भुल सकदियां,
नवा शिवाला नेक्स्ट दुनिया एक महल दुनिया एक महल या महल नेक्स्ट प्रीत मार्ग नेक्स्ट खुशहाल जीवन खुशहाल जीवन ए इना दियां वार्तक रचनावां से ठीक है जिंदगी दी कविता चंगेरी दुनिया मेरिया अपुल यादा नवा शिवाला दुनिया एक महल प्रीत मारक ते खुशहाल जीवन राइट अगो हुन नेक्स्ट क्वेश्चन पहला इनू लिख लो विषय सामाजिक कुरीतियां कुरीतियां के नू कहंदे आ आपां अगेत्र विच करदे ना कू रीति मतलब की होदा कुरीतियां हां सोसाइटी विच कुछ रीति रिवाज ने जो के गलत ने उना दे बारे इन्हां ने लिखा कि ओ चीजां नू खत्म करना चाहिए ठीक है सामाजिक कुरीतियां नेक्स्ट वहमा परमा ते होर बुराइयां वहम परम ते होर बुराइयां ठीक है इना दे मेन विषय यह सन इन्होंने इन्हों ही लैके अपनी बहुत सारी रचनावां कीतियां ने कीतियां ने लिख लो ये भी लिख लो लिखी हो गया अगे लिख लो समाजिक नैतिक जिहड़ा तुहाडा बोली चैप्टर है एक केड़े विषय दे अंडर आंदा इन्हां विचों दी समाजिक कुरीतियां वहम भरम बुराइयां समाजिक या नैतिक नैतिक च आंदा है मोरल वैल्यूज नहीं दिखांदे तुहानू कि तुहानू बोली नाल प्यार होना चाहीदा जे इदां दा क्वेश्चन आ जावे ना बेटा कि बोली लेख विच केड़ा विशा चुनिया गया है तो नैतिक ठीक है क्लियर है जी ए सन लेखक दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन डन